नीचे से लेकर के ऊपर तक, अगर वहां पे आपको दिख रहा होगा, वहां पे कम कम दिख रहा है क्योंकि दूर है थोड़ा सा। सो हर हर महादेव दोस्तों, मैं नीरज शर्मा बोलो, स्वागत करता हूँ आपका एक और ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग मैं काफ़ी दिनों बाद शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम थी, कुछ रीजंस थे, तो इस वजह से मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाया। बट अब के बाद मैं कंटिन्यू ब्लॉग वगैरह या मतलब कंसिस्टेंसी दिखाना चाहता हूँ यूट्यूब पर। सो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। और दोस्तों चैनल पर नए आए प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। भाई ये देखिए धूप लग चुकी है और कुछ इस प्रकार से बनता है सुबह का व्यू। जैसे ही धूप लगती है तो मेरे घर के आसपास जो व्यू बनता है भाई काफ़ी शानदार बनता है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, ये देखिए। वही ये देखिए पापा जी जो कि खरपतवार हटा रहे हैं, जो भी सब्जी के लिए यहाँ पे कुछ मटर वगैरह और ऐसी ऐसी सब्जी वगैरह यहाँ पे लगा दी जाती है, मिर्च भी है, तो वहाँ से सफाई कर रहे हैं, थोड़ी सी खरपतवार वगैरह इत्यादि हटा रहे हैं। ये सामने जो चीज़ दिख रही है ना भाई आपको, ये है घिया। और फिलहाल मैं इन घियों को निकालने वाला हूँ, क्योंकि आजकल तो उतने नहीं है, बट इससे पहले क्या था, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, हरे भरे थे, आजकल थोड़े से सूख चुके हैं, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें बचे हुए हैं। ये भाई मैं आपको इसमें लेके जाऊंगा, इनको मैं फिलहाल निकालने वाला हूँ, सब्जी के लिए तोड़ने वाला हूँ। ये देख सकते हैं आप, वो देखिए, और इसके अलावा ऊपर भी है। भाई सब्जी के अलावा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे खीरे भी लगे हुए हैं कुछ इस प्रकार से, हालांकि उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, इसके कुछ जो पत्ते वगैरह हैं वो भी सूख चुके हैं, बट फिर भी फिलहाल ठीक है यार, काम चल पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा मतलब टेस्टी होते हैं घर के जो भी खीरा होता है, क्योंकि ये विदाउट केमिकल इसको तैयार किया जाता है। भाई साहब ये देखिए मैं पेड़ पे आ चुका हूँ, और पेड़ से तो व्यू बन रहा है बहुत शानदार बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पे घिया भी है, और यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों इधर भी है और ऊपर भी है, मतलब इसी प्रकार से कुछ पेड़ों में लगे हुए हैं घिये। तो फिलहाल मैं इनको निकाल लेता हूँ। ये देखिए भाई घिया निकाल चुके हैं, और ये पकड़ते हुए पापा जी घिये का। तो फिलहाल यहाँ से मैं घी निकाल चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों आप इस पे देख सकते हो, वहाँ पे भी दोस्तों पूरी तरीके से ये इसकी जो बैल होती है, इसका जो पेड़ होता है, टहनियाँ होती है, लंबी जाती है, तो इस प्रकार से कुछ जा चुकी है इसके ऊपर। इसमें भी घी लगे हुए, आई थिंक आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। भाई घी के अलावा ये देख सकते हैं आप काली तोरी, हालांकि सूख चुकी है भाई, अब 21 का जो सीज़न है वो ख़त्म होने वाला है, बट फिर भी कुछ एक बची हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए भाई इसको क्या कहते हैं आपके यहाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए क्या कहा जाता है भाई, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो दोस्तों फिलहाल हम जो पहाड़ी लोग हैं, हमारी जो सुबह है वो कुछ इसी प्रकार से स्टार्ट होती है। तो फिलहाल सब्जी वगैरह या थोड़ा बहुत काम कर देने के बाद मैं कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ता कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो भाई दोपहर का टाइम हो चुका है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो मक्की वगैरह डाली हुई है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों आजकल छत के ऊपर मक्की वगैरह को सुखाने के लिए डाल दिया जाता है, ये आप देख सकते हो, वहाँ पे भी है और कुछ इधर भी है। और ये ऐसा बन रहा भाई सामने का व्यू।
भाई ये देखिए इतनी लंबी लंबी घास यहाँ पे हो चुकी है। और आजकल क्या होता है दोस्तों पहाड़ों में, स्पेशली हमारे सिरमौर या शिमला में, कि घास को काटने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो ऑल ओवर हिमाचल में होता है, बट लाहौल स्पीति साइड दोस्तों आजकल नहीं काटते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं गया हुआ था तो मैंने देखा वहाँ पे आजकल घास वगैरह की कटिंग नहीं होती है। ये देखिए घास जो है पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ पक चुका है। ये जो महीना होता है दोस्तों शोज का, इस दौरान क्या होता है कि यहाँ पे घास की जो कटिंग वगैरह होती है वो मतलब स्टार्ट हो जाती है। आप नीचे से लेकर के ऊपर तक अगर वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे कम कम दिख रहा है क्योंकि दूर है थोड़ा सा, बट आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि लगभग हर जगह घास कुछ इस प्रकार से होती है। पर आजकल इसको काट देने के बाद दोस्तों इसको सुखा दिया जाता है और फिर उसके बाद इसको साल भर में यूज़ में लाया जाता है। इसको कहीं पर अच्छी तरीके से लटका दिया जाता है। ये होता है कुछ सिस्टम। तो ये आ चुका हुआ अदरक के खेतों में, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारे सिरमौर में अदरक होता है। वैसे हिमाचल में जो अदरक होता है, जो जिंजर होता है, इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि नंबर वन नंबर टू पे था। आजकल मुझे नहीं पता कि जो अदरक होता है इसकी प्रोडक्शन में हिमाचल कितने स्थान पर है, बट पहले सेकेंड नंबर पर था, फर्स्ट में आई थिंक केरला था, बट आजकल मुझे नहीं पता। बट फिर भी सिरमौर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है वैसे बेसिकली अगर देखा जाए। बट आजकल तो यार वैसे कम ही लोग बोलते हैं, बट कुछ इस प्रकार से होता है। भाई साहब जो सामने का जो व्यू बन रहा है वो भी काफ़ी शानदार बन रहा है यार। तो भाई इस अदरक के अलावा खेतों में मटर वगैरह आजकल आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसके अलावा होती है अरबी, जो कि मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। ये रही अरबी, आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसके जो पत्ते होते हैं दोस्तों इनका भी काफ़ी जो टेस्टी साग होता है उसको बना दिया जाता है। अलग अलग उसको पतरेड़ो, कहीं पे दिनड़े, कुछ अलग अलग मतलब अपनी अपनी भाषा में उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। आप बताइए आपके यहाँ उसको क्या कहा जाता है। बाकी अरबी तो आपने दोस्तों पता ही होगा, आपके वहाँ भी अरबी होती होगी। कुछ इस प्रकार से खेतों में अरबी लगा रखी है। ये देखिए इसका जो पत्ता होता है ना भाई, इसका जो पत्ता होता है ये, इसके ऊपर पानी कभी भी नहीं चढ़ सकता। ये आप देखिए इसके ऊपर ये नहीं रुकेगा, इसके ऊपर पानी किसी भी तरीके से टिक नहीं सकता और ना ही दाग छोड़ता है। ये देखिए बिल्कुल सूखे का सूखा वैसे का वैसा ही बना हुआ है। दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें लगे हुए हैं मटर, और इससे भी पहले इसमें थी मक्खियाँ। मक्खियों के आप यहाँ पे देख सकते हो डंडे वगैरह इस प्रकार से खड़े हैं कि मतलब यहाँ से मक्खी वगैरह काट रखी है, और बस वापस बचे हुए इसमें इस प्रकार से खड़े जो डंडे हैं, और मक्खी के साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मटर वगैरह भी लगा दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये पूरे खेतों में कुछ इस प्रकार से हैं लगे हुए, ओ वहाँ तक। भाई मटर के अलावा यहाँ पे कुछ जो पौधे हैं वो हरी मिर्च का भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, और ये काफ़ी तेज है भाई। पहाड़ी लोग भी जुगाड़ में किसी से कम नहीं होते। आप वहाँ पे देख सकते हो ये लिफाफा जैसा लगा रखा है वहाँ पे प्लास्टिक का, आप देख सकते हो आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करके दिखाया, तो इसलिए लगा रखा था कि कोई बंदर वगैरह, हालांकि बंदर वगैरह उतने आते नहीं है, फिर भी डराने के लिए लगा रखा था, अगर इनके पास कुछ भी आ भी जाता है तो लगे कि हाँ यहाँ पर कोई है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो जुगाड़ू सिस्टम क्या हुआ है भाई। भाई मक्की इत्यादि काटने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से उसके जो डंडे उसको सुखा करके इस प्रकार रख दे देते हैं, और ये काम आते हैं पशुओं को खिलाने के लिए। मक्की की कोई भी चीज़ दोस्तों व्यर्थ नहीं जाती है, और मक्की जिसमें से दाना निकालते हैं उसको
यूज़ में लाया जाता है जलाने के लिए, मक्की को खाने के लिए और उस चीज़ को जलाने के लिए। यानी वो कोई भी चीज़ मक्की की जो है बेस्ट नहीं जाती है। के अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमारे यहाँ हल्दी की भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन की जाती है और सबके घर में अपने अपने लिए खाने के लिए दोस्तों इस प्रकार से हल्दी लगा दी जाती है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार भी है। ये देखिए दोस्तों, फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए आए तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिल जाए किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।